morning, students. Okay, students, look at here. Now the main problem is when we are making any program, ki after execution the program terminated. Okay. Good morning, sir. Good morning, Peter. Suppose I need one program. वो program उतनी देर बंद ना हो, जितनी देर मैं कहूँगा. If I am saying no, I don't want to execute this program. तो वो बंद हो जाए. ठीक है, ऐसे एक simple सा program बनाते हैं, with the help of while. This is called menu-driven program. क्या कहते हैं इसको? Menu-driven program means ठीक है. तो according to the requirement, ये उतनी देर चलता रहेगा जितनी देर आप चाहोगे. ठीक है. After that, if you need if you want to terminate, तो फिर बंद हो जाएगा. ठीक है. So I'm opening Python here. And I open a new program. I create a new program. I take one variable ch. In beginning, I take y. ठीक है. अब मैंने यहां पे एक लूप लगाया. इफ सी एच डबल इक्वल टू वाई और सी एच डबल इक्वल टू कैपिटल वाई, इसका मतलब ये लूप तभी चलेगा अगर सी एच की वैल्यू क्या है? वाई. क्लियर. इफ इट इज एन तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा. मैं अभी सिंपल से छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूं इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. सो आई टेक हियर, सपोज आई वांट टू डिस्प्ले ऑल द इवन नंबर हियर, ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 20 नेचुरल नंबर. सपोज why I am using n here, any student? Because I want to display the contents in same line. ठीक है. अगर मैं same line नहीं यहाँ पे n नहीं लिखता तो separate line में आना था. अब यहाँ पे इस loop के बाहर यहाँ पे मैंने user से पूछा कि ch is equal to input continue y or n. तो यूजर से उसको मैंने कहा है कि आप इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं, y और n में आंसर दो. ठीक है. तो आई क्लिक ऑन रन बटन. आई एम सेविंग द प्रोग्राम. So I am running this. So look at here, 1 to 19. There is a message. Continue. I am typing yes. Why? I again type why. Then I type means why की जगह कुछ भी press कर दो. A B C D कुछ भी. Terminate हो गया. Clear? Concept clear हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, वी आर गेटिंग द इनपुट ऑफ सी एच. इफ इट विल बी वाई, इट विल अगेन इट दिस लूप विल बी एग्जीक्यूटेड अगेन. तो क्विकली अप्लाई दिस. Himanshu, concept is clear?
Excuse me, sir. Yes, madam. Sir, आप बाबर वाई की वैल्यू क्या डाल रहे हो वाइन आउटपुट में? बेटा हमने यूजर्स को ये कहा है कि प्रेस वाइफ टू कंटिन्यू दिस लूप, कंटिन्यू दिस स्टेप, ठीक है? तो अगर वो वाई प्रेस करेगा तभी फिर से एग्जीक्यूट होगा ना यहाँ पे। वो कैपिटल वाई प्रेस करे हो या और स्मॉल वाई, इन बोथ केसेस इट विल बी एप्लीकेबल। बट अगर वो कोई और की प्रेस करता है तो वो टर्मिनेट होगा। अंडरस्टूड, थैंक यू, वेलकम। Okay, students, this concept clear? Continue. Next करेंगे। अब हम क्या करते हैं? थोड़ा सा इसको प्रोग्राम को थोड़ा सा लेंथी करते हैं, ठीक है? ये देखो बेटा, हमने एक वेरिएबल लिया, पहले मैसेज डिस्प्ले किया चॉइस या अपने कंसेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से समझना आपने पहले। प्रेस वन फॉर नेचुरल नंबर्स प्रेस टू फॉर even numbers, पहले concept समझना उसके बाद अपने execute करना। Step 3 for whole numbers, I displayed this message, ये message ही है, ठीक है? After that, I am taking here twice is equal to int input enter your choice. So according to the message, user यहाँ तक one press करेगा या two press करेगा या three press करेगा, ठीक है? If choice double equal to one, okay बेटा, if user press one, what he wants बेटा? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। देखो इसके अंदर है ना लूप के, इसको लूप के अंदर, ठीक है? ये एम्प्टी प्रिंट मैंने इसलिए लगाया था लाइन में स्पेस लाने के लिए, ठीक है? एम्प्टी लू, एम्प्टी प्रिंट, जब भी आपको चाहिए नेक्स्ट लाइन में डाटा चाहिए तो एम्प्टी लू प्रिंट लगा दो। अब हमने ओके, एलिफ, ठीक है? एलिफ इज मींस अगेन यू सेट अनदर कंडीशन, ठीक है? एलिफ choice
डबल इक्वल टू टू. तो अगर टू चॉइस है हमने क्या चाहिए हमें, यस स्टूडेंट्स, ऑल द इवन नंबर. तो लूप विल बी सेम, आई विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो अप टू 20 एंड इंक्रीमेंट ऑफ टू. ठीक है, तो प्रिंट इफ आई वांट टू डिस्प्ले इन सेम लाइन देन आई कॉमा एंड देयर इज वन मिस्टेक हियर, आई एम नॉट यूजिंग कॉलन हियर. ठीक है, तो कॉलन यूज करना है आपने यहाँ पे. जैसे लूप चलेगा लाइन चेंज हो जाए. और एल्स में अभी भी एलिफ ही आएगा. चॉइस क्या है, अब इनके चॉइस इज थ्री, अगेन फोर, आई इन रेंज, आई विल स्टार्ट फ्रॉम वन अप टू 20 इंक्रीमेंट ऑफ टू, आई एंड इफ आई डोंट वॉन्ट टू चेंज द लाइन ओके. इन केस एल्स, एल्स मीन्स यूजर ने या तो फोर प्रेस किया या फाइव प्रेस किया या कोई और नेगेटिव नंबर भी प्रेस कर सकता है. चॉइस में तो है ही नहीं वो, इसका मतलब यूजर की चॉइस क्या है, चॉइस इज टोटली रॉन्ग, इनकरेक्ट एंट्री या इनकरेक्ट इनवैलिड एंट्री. यूजर ने क्या कर दी, इनवैलिड एंट्री दी है. ठीक है, तो वी सिंपली डिस्प्लेड हियर प्रिंट इनकरेक्ट लिख दो या इनकरेक्ट चॉइस. यहाँ पे हमारा एफ एल्स ये खत्म हो जाएगा, पर नीचे हमने एक और कंडीशन लगाई हुई है. तो यूजर से फिर से पूछेगा कि कंटिन्यू, इफ यूजर प्रेस वन और टू फिर से चलेगा. आई एम गोइंग टू गिव द डेमो. So look at here, I am running this program. I click on run and run module. So press 1 for natural number, press 2 for even number, press 3 for whole number. I press 1. So all the natural numbers. Okay. Then I press, do you want to continue? Why? Press 1, again message is here. I type. तो ऑल दी इवन नंबर, आई कैन चेंज दी सीक्वेंस. मैं पहले थ्री प्रेस कर सकता हूं, मेरी चॉइस है. ठीक है, तो आई प्रेस टू, सो देयर इज ऑल दी इवन नंबर. प्रेस वाई, मैं फिर से वन प्रेस कर सकता हूं, मेरी चॉइस है. ठीक है, तो आपके ऊपर आप अपनी चॉइस के अलावा ले सकते हो. यहाँ पे आई प्रेस थ्री, ऑल दी ओन नंबर्स, एंड इफ आई प्रेस एनी अदर नंबर, सपोज 8, चॉइस. ठीक है, इफ आई प्रेस एन
Now the loop will be terminated. So why this is important for you? Because for your project work, there is a practical, there will be a project work. ठीक है, तो project work में ये आपको एक project, छोटा सा project मिलेगा जिसमें आपने program सारे किए हुए हैं. सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पे इस block में वो पूरा का पूरा program insert है. For example, this is for your displaying the table of a given number. तो table की coding यहाँ पे आ जाएगी इसकी जगह पे. ठीक है, सेकेंड है सपोज आपको आ गया क्वेश्चन पैलिंड्रोम का, तो हमने इसकी जगह पैलिंड्रोम का क्वेश्चन कर देना. ये क्वेश्चन है रिवर्स ऑफ ए नंबर, इसकी जगह रिवर्स ऑफ ए नंबर कर देना. ठीक है, तो आपने इन मॉड्यूल्स यू विल हैव टू चेंज, ये ब्लॉक्स में चेंजेस करने हैं. ठीक है, नोट डाउन दिस. हिमांशु क्लियर? यस सर. ओके बेटा. ईशा? यस सर. Okay, but note down this coding. This will be very useful for you for making project work. Yes. Thank you, sir. Okay, I am going to add here one more coding. ठीक है, आपको ताकि क्लियर हो कॉन्सेप्ट. सपोज आई एम टेकिंग हियर प्रिंट प्रेस फॉर फॉर डिस्प्लेइंग टेबल. ठीक है, हमने किसी टेबल को डिस्प्ले करवाना है. ठीक है, यहाँ पे चॉइस आ गई फोर. What you will do here, else से पहले elif choice equal to 4. So first you will get the input of a number. क्योंकि आपने किसी number का table display कराना है. तो I am taking here one number. जब नंबर आपने इनपुट ले ली, स्टार्ट फॉर लूप फ्रॉम 1 अप टू 11. वी नो दैट कि टेबल इज ऑलवेज फ्रॉम 1 टू 10 तक ना. ठीक है, तो 11 लोगे तो तभी 10 आएगा, अगर 10 लोगे तो 9 तक जाएगा टेबल. देन हियर प्रिंट फर्स्ट यू विल डिस्प्ले नंबर, then you display into sign, then 1 2 3 means I को display करोगे, and then yes equal to sign, then I into number means 1 into 5 2 into 5 3 into 5 like this. Now next is I close the bracket. So I am running this program. So look at here, 4 choices here. So I enter 4. So enter any number, I enter 5. Table of 5 is here. So this is your choice based means menu based program.
So offline student, any doubt in this? Execute हो गया बेटा program. दीपक आपका हो गया? This side सबको हो गया बेटा. अगर error है तो बताइए बेटा. If there is any mistake or any error is here. I'm just checking.